राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने शनिवार को अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान शहर के कई कार्यक्रमों में भाग लिया। दौरे में पायलट के साथ सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष राकेश पारिक सहित एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष राकेश मीणा और प्रदेश स्तर के कई पदाधिकारी व स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर अध्यक्ष विजय जैन और देहात अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में शनिवार दोपहर जयपुर रोड स्थित अशोक उद्यान के सामने सैकड़ों कांग्रेसियों ने पायलट का अजमेर पहुंचने पर फूल मालाओं से स्वागत किया। स्वागत के दौरान पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष यासिर चिश्ती द्वारा पायलट को स्वर्गीय राजीव गांधी की फोटो भी भेंट की गई। स्वागत करने वालों में सभी कांग्रेसी पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई छात्र संगठन के कार्यकर्ता मौजूद थे। इसके बाद पायलट मांगलियावास में सर्वश्री रेगराम छात्रावास अजमेर पट्टी पंचायत संस्था 210 गांव के तत्वाधान में रेगर समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहुंचे, जहां संस्था पदाधिकारियों ने पायलट सहित कांग्रेसी नेताओं का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट किया। पायलट ने अपने संबोधन में सबसे पहले नवविवाहित 45 जोड़ों को शादी की शुभकामनाएं दी और उनके वैवाहिक जीवन की मंगल कामना की। पायलट ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में चुनाव से पहले जो वादे दलितों के लिए किए थे उनमें से एक पर भी अमल नहीं किया। लेकिन जो वास्तविकता जो हकीकत प्रदेश में बनी है और आज जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, आज अगर कोई समाज अपने आप को दबाव पहुंचना महसूस करता है उसके लिए जो लोग जिम्मेदार है उन लोगों को अपने गैर हम सब लोग सियासतदार हैं, लोग पार्टी पार्टी, लेकिन जो सबसे गरीब तबका है राजस्थान, सबसे पिछड़ा हुए लोग जो बिल्कुल अशिक्षित है, पैसे से कमजोर है, खेत जोतने को जमीन उनके पास नहीं है, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, उस गरीब समाज के लोग, दलित समाज के लोगों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, उसके नए खिलाफ हमारी पार्टी। कार्यक्रम में शामिल हुए पायलट ने सभी नवविवाहित जोड़ों के साथ फोटो खिंचवाई और उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की। इसके बाद पायलट श्री तेलिक वैश्य समाज सभा के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए और यहां नवविवाहित 40 वर वधुओं को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्रदान किया। यहां पर तेलिक वैश्य समाज के अध्यक्ष कैलाश जालीवाल ने सचिन पायलट का साफा मैला पहनाकर स्वागत किया। समारोह में शिरकत करने के बाद सचिन पायलट एक समारोह स्थल पर मीडिया से रूबरू हुए। सचिन पायलट ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भाजपा चुनावी वादों को भूलकर सत्ता सुख भोगने में व्यस्त है। जनता पानी बिजली सहित मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है, नेताओं और मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं, प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, अस्पतालों में नवजात दम तोड़ रहे हैं, बावजूद इसके प्रदेश की मुख्यमंत्री योजनाओं की वाहवाही लूटने में मदमस्त है, प्रदेश की आम जनता भाजपा शासन से त्रस्त हो चुकी है। इस मौके पर सचिन पायलट के साथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन और देहात कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। 2.5 साल आज पूरा हुआ है राजस्थान की सरकार के कार्यकाल को और जो हालात आज बने हुए हैं, मैं सिर्फ अजमेर जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश भर में बच्चों की जान जा रही है अस्पतालों के अंदर और सरकार के द्वारा जो सेंटर चलाया गया जयपुर के अंदर 60 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली, 12 बच्चे जयपुर में मर गए, आधा दर्जन बच्चों की मौत अजमेर में हो गई और सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और हाई कोर्ट जब फटकार लगाते हैं तब जाके प्रशासन के अधिकारी यहाँ जांच पड़ताल के लिए आते हैं। मुख्यमंत्री को समय नहीं मिला, ना तो अस्पताल वो गई, ना वो सेंटर में वो गई, लीपापोती करके इस उम्मीद पर वो लोग बैठे हैं कि कैसे ना कैसे ये खबर सुर्खियों से हट जाए और लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। लेकिन ये इस बात को दर्शाता है कि सरकार की जो अब तक जो कार्यशैली रही है, हर वर्ग, आज किसान वर्ग हो, नौजवान वर्ग हो, सराफा कर व्यापारी हो या वैसे व्यापारी हो, छात्र हो, हर वर्ग अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है। दलित उत्पीड़न शोषण जिस प्रकार से हो रहा है वो चरम सीमा पर है, बलात्कार हत्या, आनंदपाल जैसा व्यक्ति सरकार के नाक के नीचे से पुलिस की हिरासत से छूट के भाग गया, सरकार पकड़ने में नाकाम रही है, अपराध की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला है, पीने का संकट इतना भयानक है, कम से कम अजमेर जिले के अंदर तो मुझे बताया गया है कि टैंकर की सप्लाई लगभग बंद पड़ी है। जिस गाय के नाम पर बीजेपी ने वोट मांगे, लोगों का बेवकूफ़ बनाकर, लोगों की भावनाओं को भड़काकर वोट लिया, उस गौ माता को तड़पते बिलकते हमने देखा है। सवाईमाधोपुर जिले में, करौली जिले में मैं गया, हजारों की संख्या में गायों के कंकाल पड़े हुए थे, रातों रात आधी जिंदी गाय को दफनाने की कोशिश की गई ताकि लोगों की नज़र उस पर नहीं जाए। हम लोग हरा चारा लेकर, पानी दाना लेकर गायों की सेवा कर कर आए हैं। तो गौ माता के नाम पर वोट लेना आसान है, लेकिन कहाँ है हमारे सारे आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता जो वोट मांगते हैं गाय के नाम पर,
गौ को माता बोलते हैं, गौ हत्या को कहते हैं, उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूं बीजेपी को पाप लग रहा है आज कि गाय के नाम पर वोट ली है, गौ माता की आज मृत्यु का जो पाप है वो बीजेपी को लग रहा है, और बीजेपी को इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, सत्ता से हाथ धोने पड़ेंगे।